हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल एआई होम्स में। तो गाइज, आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, सेक्टर 124 में 200 फीट रोड के एडजॉइनिंग जो आपका जो रहने वाला है विला, 3 BHK विला रहने वाला है। जो इसकी साइज की बात करूँ तो 140 गज जिसका साइज रहने वाला है, 25x50 की इसकी डायमेंशन रहने वाली है आपकी इस विला की। विला की मैंने लोकेलिटी जैसे बताई, 200 फीट रोड दारा स्टूडियो वाले रोड के साथ ये विला की कनेक्टिविटी रहने वाली है। एलिवेशन आप इसकी देख सकते हो, बहुत ही अच्छे डिजाइन के साथ एलिवेशन हम लोगों ने आपको बना के दिया है। इसी के साथ एंट्रेंस पे हम लोगों ने आपको आयरन गेट दिया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी और हैवी क्वालिटी में आपको ये आयरन गेट देने वाले हैं। हम चलते हैं हम विला के अंदर। एंटर करते ही हमारा यहाँ पे पोश एरिया आ जाएगा, एक बड़ी व्हीकल पार्क करने के लिए यहाँ पे आपको हमने पोश एरिया दे रखा है। साथ ही में यहाँ पे पोश एरिया के पास यहाँ आपको वुडन टच की वॉल दे रखी है और साथ में टेक्सचर डिजाइन करके दिया हुआ है। इसी के साथ यहाँ पे आपकी बाइक की पार्किंग आ जाएगी, एक छोटा सा हम लोगों ने आपको गार्डन दिया हुआ है। साथ में यहाँ पे आपको वाटर टैंकर दिया गया है जो कि 3000 लीटर का आपका वाटर टैंक रहने वाला है। और इसी के साथ यहाँ पे आपको हम लोगों ने सिलेंडर के लिए जो प्रोविजन दे रखी है, किचन के लिए सिलेंडर की प्रोविजन वहां पे हम लोगों ने आपको ऑलरेडी दे रखी है सारी। तो चलते हैं हम अपने विला के अंदर। एंटर करते सार ही हमारा मैश डोर आ जाएगा, जाली वाला दरवाजा आएगा और इसी के साथ हमारा वुड डोर आ जाएगा, बहुत ही यूनिक डिजाइन के साथ, हैवी क्वालिटी के साथ वुड डोर आ जाएगा। चलते हैं हम अपने विला के अंदर। आ गए हम अपने विला के अंदर। एंटर करते सारी राइट साइड पे हमारा ड्रॉइंग स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना सोफा लगा सकते हैं, 10 सीटर सोफा, 9 सीटर, 12 सीटर सोफा इजिली यहाँ पे आ जाएगा। साथ में फॉल सीलिंग आ जाएगी कंसीन लाइट्स के साथ, और इसी के साथ आपकी डिजाइनर वॉल रहने वाली है, डिजाइनर यूनिक डिजाइन के साथ आपकी वॉल रहने वाली है। और साथ में यहाँ पे आपका एक LED पैनल आ जाएगा, डिजाइनर LED पैनल रहने वाला है। साथ में आपको यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ डेकोरेशन के लिए, यहाँ पे आप अपने डेकोरेटिव गमले वगैरह लगा सकते हैं। और इसी के सामने हमारी किचन रहने वाली है, फुली मॉड्यूलर किचन रहने वाली है आपकी, सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ रहने वाली, जो कैबिनेट्स आपके रहने वाले सारे ही सॉफ्ट क्लोजर्स कैबिनेट्स रहने वाले हैं आपके यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे आपको चिमनी का प्रोविजन दे रखा है और गैस के लिए यहाँ पे आपको पाइपलाइन दे रखी है। तो इसके जो इसके कैबिनेट्स हैं ये भी यूटिलाइज, जो स्पेस आपकी यहाँ पे किचन के लिए प्रॉपर कैबिनेट्स बना के दे रखे हैं। और साथ ही में यहाँ पे सिंक आ जाएगा, साउंड प्रूफ सिंक रहने वाला है यहाँ पे आपका। और साथ में जो यहाँ पे फिटिंग आने वाली है वो आपकी जैगवार और सैरा की फिटिंग आ जाएगी। इस कोठी में एक सरप्राइज भी है, सरप्राइज मैं आपको वीडियो के मिड में बताऊंगा। तो ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम, इसी के साथ फर्स्ट बेडरूम के साइज की बात करूं तो 12x14 का इसका साइज रहने वाला है। और इसी के साथ अटैच रहने वाला है हमारा वॉशरूम, वॉशरूम का स्टैंडर्ड साइज रहने वाला है, 7x6 का इसका साइज रहने वाला है। फुल लेंथ तक इसकी टाइल्स रहने वाली है और साथ ही में इस रूम में आपको अटैच मिलने वाले हैं कबोर्ड्स रहेंगे आपके फुल लेंथ तक, स्लाइडिंग कबोर्ड्स रहने वाले हैं, फुल लेंथ तक इसकी हाइट रहने वाली है। साथ में स्पेस अच्छा यूटिलाइज करा हो। और इसी के साथ इस रूम में आपको मिल जाएगा एक LED पैनल मिल जाएगा। और इसी के साथ पहले हमारी फॉल सीलिंग आ जाएगी वुड टच के साथ, और साथ में आ जाएंगे इसके कंसील लाइट। अब चलते हैं हम अपने सेकेंड बेडरूम में। तो ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम, तो चलते हैं हम सेकेंड बेडरूम में। तो ये आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम का साइज भी सेम रहने वाला है, 12x14 का इसका साइज रहने वाला है। अटैच इसके भी आपका वॉशरूम रहने वाला है, फुल लेंथ तक वॉशरूम की भी आपकी टाइल्स रहने वाली है, फुल लेंथ तक आपकी टाइल्स रहने। और यहाँ पे जो हम आपको सैनिटरी फिटिंग दे रहे हैं वो प्रॉपर ही हम आपको जैगवार और सैरा की फिटिंग दे रहे हैं। साथ में यहाँ पे बेड के बैक साइड पे आपको डिजाइनर वॉल दे रहे हैं हम प्रॉपर। और साथ ही में आ गए यहाँ पे फुल लेंथ तक कबोर्ड्स रहेंगे, फॉल सीलिंग आ जाएगी कंसील लाइट्स के साथ आपकी फॉल सीलिंग रहेगी। और इस रूम में भी आपको सेम LED पैनल दिया जाएगा। अब जो मैं सरप्राइज की बात कर रहा हूँ कि हाँ विला में सरप्राइज रहने वाला है, वैसे तो मैं आपको बता दूं पहले तो वॉशिंग एरिया देख लो, फिर मैं सरप्राइज की बात करूंगा। तो ये हमारा रहने वाला है वॉशिंग एरिया, यहाँ पे कपड़े वगैरह धोने के लिए। और जो सरप्राइज है वो है यहाँ पे। तो ये जो स्पेस है आपको विला के साथ दी जाएगी, ऑन डॉक्यूमेंट आपको ये स्पेस है जो विला के साथ दी जा रही है, जो पर्सनल पार्क रहेगा आपका, विला का पर्सनल पार्क रहने वाला है आपका। तो ये है हमारा सरप्राइज आप लोगों के लिए, जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक है तो वो इस विला के लिए जल्दी से जल्दी इस विला को बुक कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर की अगर मैं बात करूँ तो
1BHK फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाला है आपका, प्रॉपर ही बहुत अच्छी डिजाइन के साथ जो विला जो मैंने आपको दिखाया है। इसका जो प्राइस रहने वाला है 1,20,00,000 की इसकी कास्टिंग रहने वाली है आपको, जहां पे आपको आपका जो 140 गज का विला तो है ही है, साथ में आपको 80 गज की पार्क दी जा रहा है, 80 गज का पार्क दिया जा रहा है जो ऑन पेपर आपकी रजिस्ट्री में दिया जाएगा आपको। अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे। आगे हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे जो सीढ़ियों की बात करो, सीढ़ियों पे आपकी SS की रेलिंग रहने वाली है, साथ ही में यहाँ पे आपको बालकनी दी जाएगी, तो 24 फुट की आपकी बालकनी रहने वाली है। अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर के कंसेप्ट के अंदर, तो सेम एंट्रेंस में आपके भी यहाँ पे मैश डोर दिया जाएगा, साथ में आपको एक वुड डोर दिया जाएगा, हैवी क्वालिटी का वुड डोर रहने वाला है, और यहाँ पे भी आपको फुल्ली मॉड्यूलर किचन रहने वाली है आपकी। तो जैसे यहाँ पे आपको स्पेस, यहाँ पे भी आपको जो सिलेंडर की प्रोविजन है यहाँ पे दे रखी है, चिमनी का यहाँ पे आपको स्पेस आ जाएगा, कैबिनेट इसकी रहने वाली है क्लोजर्स के साथ, सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ, और इसी के साथ जो यहाँ पे मैं सिंक की बात करूँ, साउथ ब्रुक सिंक रहने वाला है, फिटिंग आपको फिर से जगवार या सेरा की दी जाएगी। तो ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम, तो एक ही बेडरूम रहने वाला है, तो एक ही बेडरूम की बात करूंगा, ठीक है जी। यहाँ पे आपको जो कंसील लाइट्स है इनबिल्ट देने वाले छत के अंदर, आपको कंसील लाइट्स मिल जाएंगी, और अटैच रहने वाला है साथ ही में हमारे वॉशरूम। वॉशरूम से पहले आपको कपबोर्ड्स बता दिया, तो यहाँ पे आपके कपबोर्ड्स आ जाएंगे, और इसी के साथ हमारा अटैच रहने वाला है वॉशरूम। तो ये अटैच फर्स्ट बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम रहने वाला, फुल लेंथ तक इसकी भी टाइल्स रहने वाली है, फिटिंग आपको सेरा और जैगवार की फिटिंग दी जाएगी, और जो हम लोगों ने यहाँ पे वायरिंग कर रखी है, तो स्विच रहने वाले हैं, स्विच रहने वाले हमारे गोल्ड मेडल के स्विच रहने वाले हैं, जितने भी ये सारे स्विच है आपके गोल्ड मेडल के रहने वाले हैं, और साथ में यहाँ पे आ जाता है आपके लिए एक ओपन स्पेस। तो यहाँ पे आपका ओपन स्पेस, तो ये जो विला है सेक्टर 124 में ये आपका विला रहने वाला है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया था 1,20,00,000 इसकी आस्किंग रहने वाली है, 140 गज का 3BHK ये विला आपका रहने वाला है। तो इसके कनेक्टिविटीज वैसे कि मैंने आपको बताया था 200 फीट रोड दारा स्टूडियो जो अपकमिंग रोड है उस रोड के साथ एडजॉइनिंग, ये आपका जो ये कोठी है जो एडजॉइनिंग इसके साथ रहने वाली है, साथ ही में 123 से जो 200 फीट रोड एक्सटेंशन एयरपोर्ट रोड जो कटी है उसके साथ भी इस कोठी की कनेक्टिविटी डायरेक्ट अप्रोच के साथ मिल जाएगी। तो ये अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली हमारी और वीडियोस के साथ जुड़े रहोगे। तो मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।